अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मुझे सब लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों ने हमारे चैनल को क्यों सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि हमारी हर आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो व्यूअर्स, चलते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। तो आज की जो हमारी रेसिपी है वो है सफ़ेद चने, और मज़ेदार से सफ़ेद चने हम लोग कैसे तैयार करेंगे, इसी की तरकीब क्या है, यह आपको हम स्टेप बाई स्टेप बताएंगे। तो सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पर प्याज रख दी है ब्राउन होने के लिए, लाइट सा कलर करेंगे। दूसरी तरफ हम लोगों ने चनों को बॉयल होने के लिए रख दिया है ताकि जो सी हमारी रेसिपी है ज़्यादा टाइम ना ले, वो जल्दी से तैयार हो जाए। तो आपको हम दिखाते हैं। अभी फिलहाल हम लोग प्याज ब्राउन कर रहे हैं, उसके बाद हम इसके अंदर टमाटर शामिल करेंगे, और हम लोग इसके अंदर जो है लहसुन अदरक का पेस्ट वो शामिल करेंगे। किस तरह ये बासानी तैयार होगी हमारी रेसिपी, ये आप लोगों ने देखना है, हमारे साथ जुड़े रहे हैं वीडियो को देखिए। तो व्यूअर्स, प्याज हम लोगों ने ब्राउन कर ली है, अब हम लोग इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट और टमाटर हमने लिए हैं तकरीबन 2 अदद, वो इसके अंदर हम शामिल करने के लिए जा रहे हैं। बिल्कुल लाइट से हम लोगों ने कलर दिया, ज़्यादा हम लोगों ने इसका कलर नहीं दिया। तो तकरीबन 1 टेबल स्पून हम लोगों ने जो लहसुन अदरक का पेस्ट है वो उसके अंदर शामिल कर दिया है। खुशबू बहुत अच्छी आने लग गई है। इसको अच्छी से हम लोगों ने भून लेना है। अब जितना अच्छा भुना हुआ होगा आपका सालन उतना ही अच्छा लगेगा। तो हम लोगों ने इसको अच्छे से भून लेना है, उसके बाद हम लोग इसके टमाटर डालेंगे। अब हम लोगों ने इसे टमाटर शामिल कर देने हैं। अच्छे से टमाटरों को हम लोगों ने मिक्स कर लेना ताकि ये जो टमाटर है ये गल जाए, और फिर मज़ेदार सी जोन सी हमारी रेसिपी है वाइट चनों की वो बिल्कुल मतलब मज़े की तैयार होगी, क्योंकि जितनी अच्छी ग्रेवी बनेगी इतनी अच्छी हमारी जोन सी है वो चनों की रेसिपी वो तैयार होगी। तो इसको अच्छे से हम लोगों ने भून लिया। खुशबू माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त, बहुत उम्दा आ रही है, और आप इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत ईजी है। क्योंकि अगर आप मतलब हम लोगों ने तकरीबन इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो सा है वो हल्दी का शामिल करना है, इसी तरह हम लोगों ने इसके अंदर 1 टेबल स्पून जो सा है वो लाल मिर्च का शामिल करना है, और 1 टेबल स्पून हम लोग नमक का डाल रहे हैं, लेकिन आप लोग अपने 2 टेस्ट नमक को ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा आप लोगों ने अपने टेस्ट के हिसाब से कर लेना है। और मकदार पर भी डिपेंड करता है कि आपने मतलब कितने चने लिए हैं, किस तरह आप लोग बना रहे हैं। उसके तो से हम लोगों ने भून लेना, उसके बाद जो है चने हम लोगों ने वहाँ पर उबलने के रखे हुए हैं। इससे ये है कि हमारी रेसिपी जो है वो जल्दी तैयार हो जाएगी, चने हम लोग इसके अंदर डाल देंगे तो ग्रेवी हम लोगों ने तैयार कर ली, बहुत ही मज़ेदार से जो से हमारे चने तैयार होने लगे हैं। तकरीबन हाफ ये जो है रेसिपी डन हो गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है, बाज़ार से भी अच्छे बासानी चने अब आप लोग घर में बना सकते हैं, बहुत ईजी रेसिपी है, बस आप लोग जल्दी से इसको बनाने की तैयारी करें। अगर आप लोगों ने चाहे तो हल्का सा पानी का एक घूंट डाला है हमने, उसके बाद हम लोगों ने इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए भूनना है ताकि जौन से मसाले डालने के बाद इसके अंदर जो है कच्चापन बाकी ना रहे, और अच्छे से जौन सी रेसिपी है वो तैयार हो जाए, जो हमारे मसाले हैं वो भी पक जाए। उसको 5 मिनट हम लोग भूनते हैं, उसके बाद आपको दोबारा दिखाते हैं। तो व्यूअर्स, आप लोगों ने कह रही थी हमारी वीडियो को पूरा देखें, मज़ेदार जो से वाइट चने हैं वो कैसे। व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं कि चने यहाँ पर हम लोगों ने इसके अंदर शामिल कर दिए। चने डालने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर 1 कप जो है वो पानी का डाला था, और इसके अंदर हम लोगों ने इसी दौरान में जो सा धनिया हरी मिर्च भी शामिल कर दी है। अब इसको हम ढककर रख देते तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए, इसको पकने के लिए रख देते हैं। 5 से 10 मिनट के बाद हम आपको दोबारा दिखाते हैं। बट माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग देख सकते हैं कि हमारी जो सी आज की रेसिपी सफ़ेद चनों की वो झटपट तकरीबन 10 से 15 मिनट बाद मुश्किल लगे होंगे और ये तैयार होगी, और आपके सामने हमने सारी रेसिपी को तैयार किया है। बहुत ही ज़बरदस्त इसका लुक आ रहा है, और देखते ही मुँह में पानी आ रहा है कि कितने ग्रेवी वाले ही सफ़ेद चने मज़े से तैयार हो गए हैं। तो व्यूअर्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी जो सी आज की रेसिपी पसंद आएगी, पसंद आए तो हमें अपनी फीडबैक दें। इसके साथ साथ आप लोगों ने हमारे चैनल को क्योंकि ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया, या आप लोग हमारे चैनल पर नए आए हैं तो जल्दी से हमारे चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आपको इस तरह की मज़ीद अच्छी अच्छी नोटिफिकेशन टाइमली मिलते रहें। इसके अलावा आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, कोई चीज़ सीखना चाहते हैं, या कहीं कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में आकर, या हमारा व्हाट्सएप नंबर जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स, अब आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं, इंशाल्लाह एक नई रेसिपी लेकर दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाज़त दें, हम आपके लिए दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।